तो जोन जा कहानी शुरू हो रही है, एक और नाव है जीवन साथी। जीवन साथी जैसा कि नाम से ही आप समझ सका तो कि जीवन साथी के ऊपर जो कहानी आधारित है। तो एमेजोन जीवन साथी अहम है, उन जीवन साथी को नाव है चंदो, चंदो उर्फ चांदनी। चांदनी की खासियत है कि जिंदगी में दो ही चीजों को चाहत है, एक तो अपने पति रमंगो और दूसरो पैसा। दो चीजों के अलावा इन्हों कोई चीज को लोभ नहीं है, कोई चीज को लालच नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी है। अब रम्मू जो है, रम्मू सेठ धर्म सिंह के तक काम करा थे। सेठ धर्म सिंह जो उनके मुनीम है संजू उर्फ संजय, तो मुनीम साहब भी आपको देख भी मिले कहानी में। और रम्मू के संग क्या होता है, रम्मू की पत्नी तो अति से ज्यादा प्रेम कर ही रही है, एक और मुसीबत आवे वाली है रम्मू की जिंदगी में, जो उनकी पत्नी से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा योगदान उनकी जिंदगी में दे है। लेकिन अब वह कैसो योगदान दे है और का हुई का ये कहानी में होवे बारो है, वो सब देखवे के लाने आपको कहानी में आगे बढ़ने पर है। तो आ जाओ भागया शुरू करिए। अब यहाँ से देख रहे हैं जैसा पहली बार देखो, कोई देख नहीं रहे हैं, निहार रहे हैं दुनिया की सबसे प्यारी चीज को। प्यारे तुम्हें है यार संसार को थोड़ी है, औरतें जाकर भड़ जा नहीं है, भूत बन जात काम करे में। अरे तू तो से लौट के को देख रहा हो, अबे तो पूरे मोहल्ला बारे देख रहे कि नहीं, कौन उनका सोच है कि लंबरदार के पे काम करत और ऐसे फटीचर से बने भरत है, बताओ। अरे तो लम्बरदार की तो काम करत है, खुद लम्बरदार थोड़ी है यार। अब तुम हल्ला नहीं करो, हमें तैयार कर लें दी। अरे हो गया है यार। अरे रुक जाओ एक मिनट बस, वो तभी मुनीम साहब अलग मोह चल रहे हैं। भौजी ने 2 किलो भट्टा लाए थे और हम रोज को 4 दिना से यहाँ रहे, दिखाई नहीं रही, पैसा ही नहीं दे रही है। तुम्हें का चाय ने? चाय पत्ती भौजी एक बिलिया चाय पत्ती ले आई थी जब तुम्हारे बंडा वाले मौसिया आए थे। अब एनो नहीं दई, मम्मी हमें ठठरी की गारी दे रही। चंदो चंदो का चंदो बाहर आज तुम। हाँ लो चले जाओ। हम तो जाबे ही जा रहे थे, जाबे ही नक रहे थे घर से, मानो जे तो जान दे मैं जे खड़े। पैसा काहे नहीं दे इनके? अब हमनो पैसा हो जब तो हम दे, हमारे ना नहीं है पैसा। और कल ही हमने 1500 दाए थे। अच्छा अभी उनमें से तो हमने 1100 दान वालन को दे दे। दान कर दे 1100 दान कर दे। हाँ तो अब गांव की सलामती के लाने आए थे भी गांव बांध भी, तो अपनों भी तो फर्ज बना थे उनको सहयोग करवो, तो हमने दे दे। और वैसे भी गांव नहीं बांधो तो फिर भूत पी रहे थे अपन को परेशान करा थे। फिर तो उन भूतों को डर लग रहा हो जो दिखाता ही नहीं है दुनिया में, और जो साक्षात भूत जे खड़े इनको डर नहीं लग रहा हो? दे दे है पैसा, पैसा आके ऐसा भगो नहीं जा रहा है, ऐसे आ गए बिल्कुल जैसे आज ही पेड़ लगा जा रहा है। पैसे ही तो आए, आज नहीं तो कल मिल ही जाए, भागे नहीं जा रहे थे। तुम्हारे चक्कर में हम और लेट हो गए, अब मुनीम साहब पता नहीं का के हैं। करने को भी एक तरीका होत है जो नहीं कि जब मन भाव तो चले यार, जो ही सब
जो ही सब अगर मालिक को पता चल जाए तो वे हमारी तक ऐसी तैसी कर दे। संजू भज्जब उतरक मुनीम साहब बोल हमें। मुनीम जी वो मुनीम साहब। अरे घरवारी के चक्कर में हो जा सब। बस जो ही शब्द सुन के हमारे कलेजे में आग लग जाता। घरवारी तो तुम भी कर लो ना ब्याह। का दिक्कत है ब्याह ब्याह भी जरूरी है। सही टाइम पे करवो। नहीं करो जैसा सही टाइम पे तो फिर जो ही हो जाते। कि देखो आप खुद बताओ अगर मशीन नई है तो ड्राइविंग में मजा आता, नहीं तो लग ही रहो रिपेयरिंग में। तू हमें ज्यादा ज्ञान न दे, अपनो काम देखो ठीक है। ऊपर मका भी डरी है, ले जाओ बोरी सो भर दो। आज वैसे मालिक आवे वाले हैं। मालिक आ रहा है? हाँ आ रहा है। आ जाई? हाँ आ जाई। अरे यार फिर तो हमें गिफ्ट भी मिल जाए। ये यार एक तो समझ में नहीं आ रही इनके मुंह कैसे बांध रहे। अधिकारी सी भरी नहीं। बाबा लग गई कहीं ऐसे भरवान लगी। हाँ लग 3 दिन से नदी सो 3 दिन को घाम लग गया और हवा भी लग गई सो ये भरवान लगी। और रम्मू कहाँ गया आजकल? वो रम्मू दिखाई नहीं रहो। मालिक आपने देखो नहीं है, नहीं चाहिए बोरिंग बोइए से लड़ाओ। चलो मिल ले रम्मू से। ना नहीं 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 हमें नहीं है टाइम, रजिस्ट्री है उतर जाने हैं। और हाँ वो मधु आ रही है गाँव, उसकी छुट्टी है 2-3 दिन की। मधु कौन? हमारी भतीजी। भाई तो है सब कछू की मालकन ते का है भज्जा भौजी हल्की में हल्की सी थी बात जब वही खत्म हो गई थी। अच्छा। सब वही को कहा जो कछू है जो सब यही से तो हमने शादी नहीं करवाई। अच्छा मालिक। हाँ। वैसे कब आ रही मालिक मैम साहब? आज या कल में आज है। अच्छा अच्छा। हाँ और जा कर तो रुकवे की व्यवस्था कर दी क्यों? अच्छी मैंने हर प्रकार से सब देख रहा को और घरे कह दी क्यों सब जनों से जो भी मम्मी हर से व्यवस्था अच्छी रहा क्यों की। ठीक ठीक। और बस स्टॉप पहुंची क्यों तुम लोग? अभी बस से आ रही का मैम साहब। हाँ अरे बहुत थोड़ी का है वो जिद्दी है अपने मन की चलाते अपने ही मन की करते सब। अच्छा सो बस ऐसे आने? हाँ बस से ही को मन बन गया कि बस से ही जाने तो बस से ही आए। ठीक है हम देख ले। ठीक है। हाँ और 11 बजे पहुँचने भैया। 11 बजे पहुँच जाए क्यों? ध्यान रखियो 11 बजे को। ठीक 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 बिल्कुल समय से पहुँच जाए क्यों? हाँ हाँ लेट वेट ले हो जाओ ना तुम लेट हो जाओ। हाँ मालिक चिंता नहीं करो पहुँच। हाँ भैया कह रहे थे। हाँ 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 मालिक बिल्कुल पहुँच जाए पहुँच जाए। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना खाए भैया कछ ज्यादा ही से गिलने लग रहा है यार। क्या बात है? अरे वो आज मैम साहब आ रहे हैं ना। कौन मैम साहब? मधु मैम साहब मालिक की इकलौती जायदाद की वारिस मतलब मालिक की भतीजी। सुबह में इतने खुश का हो रहा है? अरे वो का है मैम साहब भी क्यों आ रही और तुम्हारे संजू भाई साहब भी क्यों आ रहे? अच्छा मतलब भज्जा तुम भी यार। हाँ मालिक कल आ रही। चलो कोई दिक्कत नहीं है कल चले जाए। थ्रेसर हाउ हाउ करवा लें थ्रेसर फिर मैंने लो आवे। हाउ क्या दे रहा है रामू से क्या दे रहा है? ए रम्मू
इत्ते आ। दिमाग ही खराब हो। का कह संजू अज्ज वो कल ले तुम्हारी ड्यूटी है 11 बजे काई। अरे उन मैम साहब खुलवा पे जाने हमें न पारो आप ही चली जाजू ना हमें तो जे काम पकड़ा दे कछु तो जी हम कर लेते हैं। अरे मालिक ने कही है प्रभु हमने नहीं कही समझ रहे सो चले जाजो। कितने बजे आना? 11 बजे 11 बजे बस स्टॉप से लो ले जाओ मधु मैम साहब को ठीक है। हाँ खराब हो जा रही गाड़ी कर लीजिए कल ले साफ साफ और कर ले फ्री में अब जाओ। मुनीम तो है नाव के पूरो भार जी जाता डरो हाओ यही से तो सूखत जा रहे कर कर के जूता को जन के आए गए काय आज इतने जल्दी जा रहे। अरे भतीजी आ रही है मालक की। कौन भतीजी? मधु। मधु कुआरी है? हाओ नाटक आए तोरे का है जो जोका कर रही। दीदी तुम्हें का लगा बस शहर की हाई टेक मोड़ी इन कौन देखे? अरे तो तोरे जीजा कौन अक्षय कुमार से कम लगा थे तुम्हारे लाने। अबे तो बस खो अबे पूरा आधा घंटा है जब तक फोन नहीं चला लें। 10:30 बजे आ गए। ए मिस्टर अकेली लड़की देखी नहीं आगे लाइन मारने। सुनो सुनो मेरी बात सुनो सुनो मेरी बात। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे पास खुद की बहुत गाड़ियाँ हैं। वो तो मेरा मन था कि मैं बस में बैठ के गाँव आऊँ इसलिए मैं बस में बैठ कर आई हूँ। अकेली देख के कुछ भी मत सोचने लगना। मेरा नौकर आता ही होगा मुझे लेने। तू मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है बदतमीज। ए चुप। आधा घंटा से टें पेंगा लिया सी ज्यादा मोह चला घुटकी दबा के जनरेटर में फेंक दे। अब का देख रही चल रख। हेलो हाँ कहा मैम से आप 10 बजे बारी में आ गई? अच्छा मतलब पहले से है ताई है। हाउ 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 सुनो। नहीं सुनना मुझे कुछ। सुन चप चप पूछे जो कछु बता। तो आ मधु नाओ हमारे लम्बड़दार धर्म सिंह की भतीजी आओ। हाँ तो चलो हम ये आए आपको ले भी आ जाओ। अच्छा तो तुम हो मेरे चाचा के नौकर रम्मू। तो मिस्टर रम्मू मेरे जूते के बंद बांधो। नौकरी करत है मैडम गुलामी नहीं। खुद बांध लो और चलो जल्दी बैठो। ठीक है तो तुम चले जाओ मैं यहीं हूँ मुझे नहीं जाना। देखा बना लिया ना गुलाम अब चलो। कैसे इंसान हो
कैसे इंसान है, हमने तो अपने अन्नदाता की आज्ञा मानी है, आपने कही थी बंद बांध दे, अब जा थोड़ी बताई थी कि कैसे बांध दे, हैं हमें जैसे लगे हमने उसे बांध दे। बांध दिए बंद। गाड़ी चला रहे हो, मुझे डर लगता है, स्लो चलाओ। कैसा लगो जो एपिसोड, और दूसरा एपिसोड भी आपको बहुत जल्दी मिल जाए। अगर इंटरेस्टिंग लग रही हो कहानी तो बहुत बढ़िया बढ़िया एपिसोड आपको मिल है। कमेंट में बताओ कैसी लगी कहानी, और हाँ तीन पत्ती मास्टर को डाउनलोड करो न भूलियो, और हम खुद को खेला थे यार, जाओ हमारे कैबे से डाउनलोड तो करो, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लियो, 1500 को मिले वेलकम बोनस, ठीक है जाओ, फिर मिल रहा है जल्दी एक नए वीडियो में।